यहाँ पर चल रहा है मेरा बोटोक्स, स्टार्ट हो चुका है। और ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, नेल आर्ट, हेयर कट सब यहीं से इनका चलता है। तो आज सोनल, सोनल मैं सोनल ही बोलती, मेरा नाम ही सोनल सेव कर रखा है। तो ये सोनम जी है, मैं इसको सोनल बोलती। तो हाँ भाई सोनम, क्या कराना आज? मेरे को जो आपको सही लगे, मेरे बाल अच्छे हो जाएं बस। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले, हमेशा की तरह सब आप पे कि आप, हाँ ट्रस्ट आप पे है ना। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं थोड़ा सा क्या आ रहा है। ये डैंड्रफ आ रहा है, इसको अच्छे से क्लीनिंग कर दो पहले, बिल्कुल अच्छे से ना क्लीन निकाल दे इसको, कॉम से ना झाड़ के निकाल दे, फिर स्टार्ट करना। ऐसे मत करो, प्रॉब्लम को पहले निकाला करो फिर काम स्टार्ट किया करो, ऐसे करके निकाल दे इसको। तो गाइज ये चल रहा है हमारा हाइड्रा फेशियल। हमारी जो क्लाइंट हैं इनकी स्किन पे बहुत एक्सेस में टैन हो गया था, और इनका जो मतलब पिंपल्स हैं उनमें ब्लड चला हुआ है। तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल, मतलब हम ओके कर देंगे इसको, और बहुत ज़्यादा टैनिंग थी, स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इनका आज हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। और नीचे चल रहा है मेरा फोटो, क्लाइंट है, इनका फेस कंप्लीट हो चुका, ऑलमोस्ट डन, और हमने इनको हाइड्रा दिया, और ये इनका ना फेस जल गया है यहाँ से, तो काफ़ी ब्राइट हो गया है। आप मेरे बिफोर में देखेंगे काफ़ी डार्क दिख रहा है, हमने अब ब्राइट किया है। और आपको 10 दिन बाद ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, इनका 10 दिन बाद मैं दोबारा सीटिंग लूँगी तो आप देखेंगे इनका बिल्कुल भी आपको ये क्लीन दिखेगा, ये जल गया है। लोग कहते हैं कि जलने का निशान नहीं जाता है, बट मैं कहती हूँ मैं निकाल के दिखाऊँगी कि थोड़ी सी होम केयर करेंगी ये, और थोड़ा सा इनका हम फेशियल। तो ये हमारी बोटॉक्स हो गई है कंप्लीट, आप देख रहे हो बाल बहुत सुंदर निकल के आए हैं इनके, आप देख रहे हो। अभी इनका हमने बोटॉक्स कंप्लीट कर दिया, कल होगा इनका वॉश, और फिर रिजल्ट और भी अच्छा निकल के आएगा। अभी मैं क्लास में लेता हूं, हां प्लक मैम के क्लास में, प्लक मैम के जो उनके वो ऊपर क्लास नहीं है ना, उन मैम की क्लास। अच्छा, फिर आप अपनी क्लास में मुझे ले चलोगे? मैम आपको डांट पड़ेगी। क्यों डांट पड़ेगी मैम मुझे? मैं बोलूंगी मिस मायरा के साथ हूं, मैं आपका बैग पकड़ लूंगी, वाटर बॉटल भी ले लूंगी मैं आपकी। बताओ और क्या चाहिए? मैं मेरा बैग हैंड कर लूंगी। The next day. तो यहां हमारा चल रहा है ब्राइडल का आज प्री, मतलब शुरू हो चुका है, फर्स्ट सीटिंग चल रही है। उधर अंश कामरा जी थोड़ी सी ठीक हुई है, और नेल आर्ट वो बोलेगी नहीं, आज वो चुप रहेगी, आज वो काम करेगी बस। और हमेशा से जो हमारे लवली क्लाइंट है वो बैठे हैं, आप देख सकते हो, जो हमेशा से हम पे ट्रस्ट करते हैं और आते हैं। तो आज नेल आर्ट चल रहे हैं, नीचे हमारा चल रहा है बोटॉक्स, नीचे। तो गाइस मैं आपको आज एक चीज दिखाती हूँ, बच्चे आज चुप करके बना रहे हैं अपनी रील्स, और मैं आपको दिखाती हूँ ये सब क्या कर रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये संडे की आप मस्ती देख रहे हो, रील्स बन रही है इनकी, तो ये रील देखने के लिए आपको इंस्टा पे जाना पड़ेगा। और ये क्या मस्ती हो रही है इनकी, और ये गुन हो रही है परेशान, और ये देखो मैम ये बना रही है, ये संडे चल रहा है हमारा संडे। जय श्री श्याम गाइस, तो आज आप देख रहे हो मेरी पूरी शॉप रेनोवेट हो रही है। और कुछ टाइम पहले पता नहीं किसी ने कोई ग्लास पे कुछ मार दिया था, एक ग्लास तोड़ दिया, वो पहले वहाँ से कोने में है, अभी दिखाऊंगी आपको, वो ठीक कराया, उसके चक्कर में पूरा पार्लर रेनोवेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, मम्मी देखना फ्लेक्सी का क्या हाल हो गया। हाँ इतनी गर्मी हो रही है, वॉल पेपर पूरा खराब हो चुका है। तो भैया आप इस फ्लेक्सी का क्या करने वाले हो, दोबारा से बनाओगे? हाँ तो ये सर दोबारा भी बनाते हैं, तो आप एक बार अपना हमारे ना फेस दिखाओ भैया, हमारी अमाउंट माइनस हो जाएगी ना ये। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ले रहे तो कुछ दे भी रहे, नेशनल टीवी में बोल रहे हो, देख लो। The next day. तो आप देख सकते हो हमारा बोन टूट चुका है, और ये प्रेसिंग का प्रोसेस भी हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। और अब हम करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजर, उसके बाद वॉश करके
आपको दिखाएंगे, बहुत मस्त रिजल्ट आया आप देख सकते हो। तो गाइज हमारी स्मूथनिंग बिल्कुल डन हो चुकी है और ये कैरा स्मूथ नहीं है, ये है स्मूथनिंग। आप मेरे क्लाइंट के बाल देख सकते हो कितना सुंदर निकल के आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं बताऊंगी कि मैंने इनकी कौन सी स्मूथनिंग की है। तो मैम का बेबी कितने टाइम का है बताओ? 8 मंथ का है। तो गाइस जब हमारा बेबी 8 मंथ का होता है तो हमें बोटोक्स या केराटिन नहीं करानी चाहिए, क्योंकि बच्चा बाल मुंह में लेगा और लेने के बाद वो केमिकल आपकी बॉडी, बच्चे की बॉडी के अंदर जाएगा। अब जैसे ये मम्मा है, अभी बच्चे को फीड कराएंगी तो वो बाल मुंह में लेगा ही लेगा, डेफिनेटली लेगा। तो प्लीज मैं सबसे यही कहूंगी, जब आप प्रेग्नेंट हैं या आप अभी डिलीवरी हुई है, बॉर्न बेबी है, तो प्लीज आप बोटोक्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें। इसीलिए मैंने इनकी स्मूथनिंग की है विदाउट, मतलब केमिकल वो वाला नहीं है जो बहुत हार्श हो। और लेकिन आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो सेल्फ कैमरे में, कितना बोटोक्स वाला रिजल्ट आया है। मैं बहुत पर्सनली बहुत खुश हूँ। और बाकी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगे इसके जो भी वीडियो बनेगा, बहुत मस्त वीडियो, आप इंजॉय करो। और आप मुझे इंस्टा पे दे रहे हो बहुत प्यार, तो थैंक यू सो मच। आप इंस्टा पे बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तो बताइए मैम आप खुश है? बहुत ज्यादा। पक्का? मजा आया आज? मजा आया, सही लगा ना? मतलब काम एक बार भी आपको लगा कि आप कहीं बाहर बैठी हैं? नहीं। कैसा एनवायरनमेंट था यहाँ का? बहुत अच्छा। तो क्या कहोगे लोगों को क्या कहोगे? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए? ब्यूटी जोन पे यार, पे आना चाहिए, ब्यूटी स्टार जोन पे। मैम आपने आज ब्यूटी स्टार जोन से सर्विस लिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपको मतलब कि ये बताओ, जैसे और क्लाइंट्स आते हैं तो उनको यहाँ पर आना चाहिए? आपकी फर्स्ट विजिट थी यहाँ पर जी, तो आना चाहिए उनको? आना चाहिए, थोड़ा सा जोश में बोलो, जरूर आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।